ओए बचत हो गई, बचत हो गई, बचत हो गई। ऐसी बीवी देना जिससे जिसके बाप का पेट्रोल पंप। एमलो जी, वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो यार अगर आप सब भाई के चैनल पर जो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर नहीं है तो सबसे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, साथ साथ बेल आइकन भी होगा उसको भी प्रेस कर दें। तो आज का कुछ सीन ऐसा है, मेरी कल्टस हो गई है खराब, बाहर खड़ी हुई है, जाते हैं मैकेनिक को पकड़ के लाते ताकि मैकेनिक गाड़ी ठीक करे। दो दिन पहले ही ठीक करवाई, फिर सलफ ले रही है, स्टार्ट नहीं हो रही। चलो उसको पकड़ के लाते हैं, पता चले क्या मसला, गाड़ी स्टार्ट हुआ हमारी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। A few moments later. भाई सीन कुछ ऐसा है, मैं ना पहले गया था शमा, आमिर भाई वहाँ थे नहीं, मेरे मैकेनिक का नाम है आमिर भाई, वो वहाँ थे नहीं। तो पता चला, रिपोर्ट मिली कि वो प्याला के आसपास हैं, तो पकड़ के लाए हैं अभी, वो भी ठीक कर रहे हैं गाड़ी। तो भाई फिलहाल के लिए सीन कुछ ऐसा है, मैकेनिक आया था, मैं उसको स्पीड पॉइंट पर मैं छोड़ भी आया हूँ वहाँ पर, सब जाते जाते उसने एक दुख दे दिया, ये स्टार्ट तो कर दिया, बट वो अभी ये बोल के गया है कि इसका एक्सीलेटर अटक रहा है। एक्सीलेटर क्यों अटक रहा है कि उसने बोला है वाल कट गया। तो अब कल मुझे उसने टाइम दिया कि 10 बजे सुबह सुबह मेरे पास आना, इसका कार्ब्यूटर खोलेंगे, फिर जाएगा ये बनने के लिए। मतलब ये रात को नींद आती नहीं है मुझे, सुबह जाके जाके जाना है उसके पास, इसका कार्ब्यूटर खुलेगा फिर हम जाएँगे कार्ब्यूटर वाला पास, ताकि इसकी बटरफ्लाई ठीक करे या चेंज हो। एक ही बटरफ्लाई करती है शायद, जिसकी वजह से एक्सीलेटर उसका बहुत जाम हो रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है और आज दिन हमारा कैसा गुजरता है। ये कि मैंने ना दो इसकी चूड़ियाँ बनवा ली थी, दो चूड़ियाँ इसकी बनवा ली थी, तीसरी चूड़ी ये वाली रह गई है। इसमें ये निकल के वेल्डिंग वाला निकाल के इसमें तांबा भरेगा, फिर ये ओके होगी बिल्कुल। बस ये बिल्कुल ओके हो गई है, इसका वॉइस चेंज करवाएंगे। और आपके भाई ने ये एमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा चेन लॉक यहाँ लटकाया है, अटकाना चाहिए यार, ये अच्छा फ़ायदेमंद साबित होता है। कभी कभार हो सकता है ना चेन रास्ते में टूट जाए, पंचर वाला लगा ना सके, पंचर वाले के पास ना हो, तो हमें अपनी तरफ उसको चेन लॉक दें और वो लगा लिए। इस पॉकेट इसमें नॉर्मल डालने में नॉर्मल ख्याल 38-15 का, पिछला 38 है, अगला 15 का है, एवरेज बेहतरीन देती है बिल्कुल। एक होता है ना जिस तरह के हर कोई ववेला मचा के रखता है कि भाई अगर 125 का तुम कार्बोरेटर डलवाते हो तो एवरेज बढ़ जाएगी, खराब एवरेज देगा, नहीं देगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरेज बिल्कुल नॉर्मल देती है बाइक। फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, 10-15 रुपए का पड़ता है फ़र्क। अब जाहिर सी बात, जब शौक रखा हुआ है तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। किस तरह बोलते हैं बहुत पेट्रोल पीती है, ये हो जाएगा फलाना दिमागा, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल पेट्रोल पीती है 10 या 15 रुपए का फ़र्क पड़ता है। और ये है भी 2018 मॉडल कार्बोरेटर डाला हुआ है मैंने, ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल चेंगो कार्बोरेटर डाला हुआ है मैंने इसमें। बाकी अब ये है कि उसको मैं स्लो स्लो रमा ही कर रहा हूँ। कैप कैप भाई नहीं पहनी भी मैंने, कैप मेरा भाई मांग के ले गया, मुझसे उसको जाना था, बड़े भाई आमिर भाई ले गए मेरी कैप। कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ? तो ये भाई कब रमा करते हैं हम, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कितनी रमा कर सकते हैं हम, अभी खर्चा ना खोले क्योंकि भाई लिटरली अब जो है ना इसके, अब जो भी है किसी तरह भी करके ना अलाय रिम पकड़ने, इसके अलाय रिम लेते हैं, इसके वो डलवाएंगे इंशाल्लाह। बाकी कल पहले हमने इसका काम करवाना है। A few moments later. अभी अभी हमने राजपूत को पकड़ा है उसकी दुकान से कि भाई आओ मेरा सर घूम रहा है, कुछ कर कर आते हैं, कड़क उठा कर लाते हैं, पकड़ के लाते हैं। राजपूत ये चल रहा है, चाल देख लो राजपूत की कैसी है। नहीं एक दो तीन पिल्ले पिल्ले पकड़ा है, चाय पकड़ेंगे सामने होटल से चाय लेंगे हम। अभी सन्नाटा हो रहा है इस रोड पे, 8-8 टाइम अभी सन्नाटा हो रहा है। अल्लाह भी पता नहीं किसे किसे फेमस करा रहा, हमें नहीं करवा रहा देखो। ओए बचत हो गई, बचत हो गई, बचत हो गई। बता ना राजपूत शादी कब करेगा? शादी और हमारी तो और किसकी है नाम वजह कोई दे ही नहीं रहा। क्यों देखने आते हैं देखने के बाद बोलते हैं हमने देख लिया, आप डॉक्टर को दिखाओ। साल तो आएगा
बता राजपूत, कैप पहन के बनाया जाए या कैप उतार के बनाया जाए व्लॉग, या कैप उल्टी पहन के बनाया जाए? ना उल्टी ना सीधी, कैप उतार के बनाया जाए। दोपहर को पहन कैप, रात को बनाऊं पफ, शैम्पू लगा के, पोयों में लगा के, नहीं पोयों में हैं, नहीं दूसरे में सुन, तीसरे में घूम, चौथा पाकिस्तान के बाहर मांगेगी हैं, सड़न सड़न पट्टे पे मिलते हैं, ओके तंपा शूम में भाई सारे टिकटॉक पे यार। अबे पता नहीं क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, एक छोटी बच्ची है वो बोलती है यल्ला ऐसी बीवी देना जिससे जिसके बाप का, यल्ला ऐसी बीवी देना जिसके बाप का पेट्रोल पंप हो। अब उस बच्ची से पूछे तुझे पेट्रोल से क्या लेना देना भाई, मॉडर्न जमाना है बेबी, मॉडर्न जमाना है। बस यार मैं करूँ ब्लॉग एंड, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो कहीं लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई का चैनल सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह।